हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज मेरे उंगलियों को कुछ बनाने का मन कर रहा है, यू नो लाइक ड्राइंग, और हम इसको माइनक्राफ्ट के साथ कंबाइन करने वाले हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यानी कि आज हम माइनक्राफ्ट में जो भी बनाएंगे वो सामान हमें मिल जाएगा। यस गाइस, टाइटल देख के तो तुम लोग समझ ही गए होगे। इस नए से माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में हम जो भी बनाएंगे अपने हाथों से वो हमें सामान मिल जाएगा। बड़ा मजा आने वाला है। मतलब ये मुझे हमेशा से करना था, कितना मजा आएगा इसमें। और ऐसे करते करते क्या माइनक्राफ्ट को बीट कर सकते हैं, क्या हम एंडर ड्रैगन को हरा सकते हैं? तो चलो देखते हैं। ओके, ये हमारा प्यारा सा नया वाला वर्ल्ड है। और सबसे गजब की बात तो ये है कि हम विलेज के पास में स्पॉन हो गए हैं, लेकिन इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हम जो भी बनाएंगे हमें वो मिल जाएगा। हमें बस ये ब्रश की जरूरत है, और ये दूसरी चीज तो स्टाम्प है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या है, लेकिन कुछ खास काम नहीं है उसका। इस ब्रश की मदद से हम कहीं पर भी ड्रॉइंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे ड्रॉइंग करें भाई? इधर में मुझे ये दीवार बहुत अच्छी लग रही है, हालांकि दूसरों के घरों के दीवारों पर बनाना नहीं चाहिए हमें। ये एकदम इन सी दीवार है, यहाँ बनाने में बड़ा मजा आएगा। वो तो बेकार सी है ये सब, ये क्या घर है, ये यहीं पर ही बनाते हैं। तो थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं ताकि हमारी ड्राइंग बहुत अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये बिल्कुल शकलाका बूम बूम के पेंसिल की तरह है, जो बनाएंगे हमें वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएं? देखो, माइनक्राफ्ट शुरू होते ही सबसे पहले हमारा काम होता है लकड़ी तोड़ना, फिर पिकैक्स बनाना, एक्स बनाना। तो हम एक काम करते हैं, हम बिना लकड़ी तोड़े ही एक्स बना लेते हैं। तो पहले हम ब्रश लेके रेजोल्यूशन सेट करेंगे, ना ठीक रहेगा। ओके, अब यहाँ हमें ड्रॉइंग बनाना है, जो हम बनाएंगे हमें वो मिल जाएगा। हमें एक्स बनाना है, पिकेक्स बनाना है, काम करते हैं हम। हम वुड का बनाए, इससे अच्छा है कि हम सीधा डायमंड का ही बना लेते हैं, मजा आएगा। ये सही रहेगा। तो डायमंड ऑलमोस्ट लाइट ब्लू कलर का होता है ना। ओके, और इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ऐसे, ये कलर इससे थोड़ा सा और लाइट होता है ना। हाँ, तो अब हम इसे ऐसे कर बनाएंगे। ओके यार, माउस से इतना अच्छा ड्राइंग नहीं होता है। ओके, इसमें इरेजर भी है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये लाइन भी हम इसे ठीक कर देंगे। अब ये वाली लाइन को हमें हटाना है, तो ये देखो इरेजर से हट जाएगा। और अब हमें नीचे वुडन का बनाना है, तो पेंसिल लेके अब हमें ब्राउन कलर सिलेक्ट करना है इस बीच में और इधर में। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन है, हाँ ये ब्राउन कलर है। और हम इसे ऐसे कर ऐसे बना देंगे। और ये देखो गाइज, हमारा पिकेक्स ऑलमोस्ट रेडी है, आई गेस ये कंप्यूटर समझ जाएगा। जैसे ही हम डन पे क्लिक करेंगे हमें पिकेक्स मिल जाएगा, वो भी डायमंड का। गेम शुरू होते ही देखते हैं मिलता है कि नहीं। डन, हमारा पेंटिंग सामने और हमें डायमंड का पिकेक्स नीचे मिल गया है। भाई साहब मस्त है ये देखो। और अब स्टाम्प का भी मैं तुम्हें यूज दिखा देता हूँ। अगर हम इस पर बैठ कर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारे हाथ में हमारा ही ड्राइंग आ जाता है। तुम्हें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, रुको दिन हो जाने का वेट करो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, स्टाम्प से मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये पेंटिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और मैं बैठूंगा तो ये देखो ये पेंटिंग मेरे हाथ में आ गई है और असली वाला पिकेक्स हमारे सामने आ गया है। और अब हम इसे उठा लेते हैं और ये हमें डायमंड का पिकेक्स मिल गया है। भाई बहुत सही है यार, काम करते हैं ना, हम बहुत सारा डायमंड ही ले लेते हैं, जो चाहे वो बना लेंगे। ब्रश से हम यहाँ पर बड़ा सा डायमंड बना लेते हैं, थोड़ा सा हमें लाइट करना है। ये कलर सही है, ऐसे डायमंड इस शेप में होता है, से भर दो। आई गेस ये अच्छा लग रहा है, इरेजर से थोड़ा सा ठीक कर दो। और हमने देखा है यहाँ बीच में व्हाइट सा स्पॉट भी होता है ना, तो हम व्हाइट कलर लेके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे से बना देते हैं, और यहाँ पर हम 64 लिख देते हैं, तब हमें पूरा एक स्टैक मिल जाएगा डायमंड का। आई गेस ये सही लग रहा है, दबा के देखते हैं हमें मिलता है क्या। डन, ओ भाई साहब ये देखो हमारा पेंटिंग और यहाँ इतना सारा डायमंड। भाई ये 64 डायमंड है क्या? ओके, ये 64 डायमंड्स और हमारा एडवांसमेंट भी आ गया है। भाई बहुत सही यार, हमें एक पिकेक्स भी एक्स्ट्रा मिल गया और डायमंड्स भी मिल गए। और हमारा पेंटिंग देखो, ये देखो हम स्टाम्प से हमने इस ड्राइंग को यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया है, ऐसा हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देखो हम जितना चाहे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ऐसी ड्रॉइंग हर जगह बन जाएगी, मस्त है ना। स्टाम्प तो इतने काम की चीज नहीं है, लेकिन ये ब्रश बड़े कमाल की चीज है। तू क्या यहाँ पे दारू के शॉर्ट्स लगा रहा है क्या? बार बार क्या आवाजें आ रही है भाई, शरम वरम नाम की चीज है क्या तुझे? दारू दारू मजा के संतरे का बॉटल लेके जा, चलो उसे तो
शर्म नहीं है हमें है। अरे गाय महाराज, आपने हमारी वो पेंटिंग देखी, हमारी कलाकृति को देखें, आपके घर के बाहर ही बनाई है हमने। अरे ये आयरन गोलम को देखो भाई, ये अंडरग्राउंड में क्या कर रहा है? ओहो, तू ज़ॉम्बी की पिटाई करते करते यहाँ तक पहुँचा है क्या? ले मैं तेरी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन यहाँ काफी अंधेरा है ना, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए ना? नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो चलो हम यहाँ रोशनी करते हैं। यो, अब हम यहाँ पर टॉर्च बना लेते हैं, काफी अंधेरा हो चुका है। ओके, टॉर्च के लिए हमें येलो कलर चाहिए, आई गेस इससे हो जाना चाहिए। ऐसे करके फटाफट से बनाते हैं। ओके, ये टॉप बन गया है। अब ब्राउन कलर फिर से बनाना पड़ेगा। ये टॉर्च जैसा ही लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है मुझे तो। आई गेस कंप्यूटर समझ जाएगा, ये एल्गोरिथम बड़ा ही एडवांस टाइप का है। ये हो गया, अब हम 64 ही ले लेते हैं, एक लेके तो क्या ही करेंगे, तो यहाँ पर 64 लिख देते हैं। और जैसे ही डन दबाएंगे हमें टॉर्चेस मिल जाएंगे। और ये यहाँ तो काफी अंधेरा हो गया, टॉर्चेस यहाँ सामने आ गई है और ये हमें टॉर्चेस मिल गई। साहब यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, ये देखो हमारा ड्रॉइंग। पर आयरन भी मिल गया है हमें, हालांकि आयरन से अच्छा तो डायमंड ही है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो भी मिलता है हम ले लेते हैं। यार इनको मारने के लिए मुझे स्वॉर्ड चाहिए, लेकिन मैं सीधा नेदरराइट का स्वॉर्ड लूंगा। यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी ड्रॉइंग। नेदरराइट का स्वॉर्ड बनाने के लिए हमें ब्लैक कलर का बनाना होगा ना, वो ऑलमोस्ट ब्लैक हो, ऐसे करके ऐसे होता है और नीचे में यहाँ पर छोटी सी डंडी होती है। क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है मुझे तो। ऐसे करके अगर हमें रियल लाइफ में भी चीजें मिल जाए तो कितना ही मजा आ जाए। ये कलरिंग करना ना मुझे कभी से पसंद नहीं था, मुझे हमेशा से स्केचिंग ही पसंद था। ये कुछ कुछ हमारे नेदरराइट के स्वॉर्ड जैसा लग रहा है, देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। डन। ओ भाई साहब, क्या जबरदस्त पेंटिंग बनी है, और देखो हमें मिल गया, सच में मिल गया। दोनों एक जैसा ही दिखता है यार, मैंने बहुत अच्छा बनाया है इसलिए कंप्यूटर समझ गया हमें नेदरराइट का स्वॉर्ड मिल गया है। और मजा चकाता हूँ इन लोग को। आजा इधर आ, मुझसे पंगा लेगा तू मुझसे। ओ यो यो, तुम क्या दे रहे हो हमें? ओ तुम 15 एमरल्ड के बदले में हमें एक आयरन स्वॉर्ड दे रहे हो शार्पनेस 2 के साथ। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये मैंने बनाया है खुद अपने हाथों से, तो मैं सच में बोल सकता हूँ ये सब मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। अब और क्या करना चाहिए हमें बताओ, हमारे पास इतना सारा डायमंड है तो हम आयरन का पूरा सूटअप कर लेते हैं, लेकिन हमें क्राफ्टिंग टेबल नहीं मिल रहा। क्राफ्टिंग टेबल, कैसा विलेज है यहाँ क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं है। बोलो, लगता है अब मुझे क्राफ्टिंग टेबल सच में बनानी ही पड़ेगी। क्राफ्टिंग टेबल बनाने में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। कि अब क्राफ्टिंग टेबल पहले तो स्क्वायर होता है, डार्क ब्राउन कलर का, और बीच बीच में उसके काला काला धब्बा होता है। पहले तो ऐसे करके हमें इसका टॉप बनाना है, फिर ऐसे करना है, इसे ऐसे करना है, इसे जोड़ना है, इसे ऊपर ले जाना है, और ये ऐसे करना है। क्यूब बन गया, और अब इसमें काफी सारा डिजाइन होता है ना, और यहाँ पर तो इधर में होता है डिजाइन, और ऊपर में 9 बॉक्सेस होते हैं जो क्राफ्टिंग टेबल के अंदर में होता है। समझ जाएगा मुझे लगता है। अब हम नीचे में इसको और अच्छे से समझाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल लिख देते हैं, CRAFTING क्राफ्टिंग टेबल, TABLE। जीनियस, अगर ये चीज ये समझ गया ना इस एल्गोरिथम को, मैं मान जाऊंगा ये अपना जीनियस ड्राइंग। और नीचे मुझे कुछ दिख रहा है, ये क्या है? क्राफ्टिंग टेबल बना हुआ आ गया। बड़ा गजब का एल्गोरिथम है, ये क्राफ्टिंग टेबल को समझ गया, बहुत ही बढ़िया। अब इधर मैं अपना पूरा सूटअप बना लेते हैं। आखिर क्या सोच रहे हो तुम लोग, हम कुछ भी बना सकते हैं तो फिर डायमंड ही क्यों, सीधा नेदरराइट का ही क्यों नहीं बना लेते भाई? वो भी कर लेते हैं, उसमें तो और मजा आएगा। इस विलेज को हम पूरा ड्राइंग से ही भर देंगे, इन विलेजर्स को भी क्या याद रहेगा कि हाँ हम लोगों ने ड्राइंग बना बना कर गए थे। अच्छी बात तो ये किसी विलेजर का घर नहीं है, नहीं तो आखिर मुझे पीट के चला जाता। चेस्ट प्लेट कुछ ऐसा दिखता है, और इसे रंग रसिया कर देंगे हम। हाँ ये काफी हद तक चेस्ट प्लेट जैसा लग रहा है। डन, हमारा चेस्ट प्लेट इधर आ गया है। आई गेस सबको कलर करने की जरूरत नहीं है, अगर हम थोड़ा थोड़ा कलर करें तो भी ये समझ जाता है। ओके, अपना ये पैंट तैयार हो गया है। डन, अरे पैंट भी इधर आ गया, जो बना वो मिल जाता है। ऊपर में अब हम बनाते हैं इसका हेलमेट। डन, और अब हेलमेट भी यहाँ पर आ चुका है, हमारा सब कुछ रेडी। अब हमें जूता बनाना है जो हम नीचे बनाएंगे, तो हम इसे ऐसे करके थोड़ा सा शेप देंगे और
हमें यहाँ पर शूज मिल जाएगा, ये नेदरराइट का शूज बन गया और हम लोगों को पूरा नेदरराइट का सामान मिल गया है। दिस इज ऑसम, एक ही बार में हम पूरा नेदरराइट का हो चुके हैं और हमारे पास नेदरराइट का स्वॉर्ड भी है। हमें तो नेदर में जाके इतना मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, हम सीधा एंडर ड्रैगन के पास पहुंच सकते हैं अपने ड्राइंग स्किल से। चलो एंडर ड्रैगन के पास चलते हैं। इतनी जल्दी कौन एंडर ड्रैगन के पास जाता है यार, बड़ा मजा आने वाला है। तो अब हमें एंड पोर्टल का फ्रेम चाहिए और आई ऑफ एंडर चाहिए नेदर में जाने के लिए। तो आई ऑफ एंडर डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर से मिलके बनता है। तो ऐसे करके हम गोल बना देते हैं, हम इसको कलर कर देते हैं। कंप्यूटर समझ जाता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। अब हमें बीच में आंखें बनानी है ताकि ये बिल्कुल आई जैसा लगे, और हमें ये 12 चाहिए तो हम 12 लिख देते हैं व्हाइट कलर से, 12। ये रही हमारी पेंटिंग और नीचे आई ऑफ एंडर, हमें मिला है 12 आई ऑफ एंडर। और हमें एंड पोर्टल का फ्रेम चाहिए तो हम यहाँ पर बनाएंगे उसे। अब एंड पोर्टल का फ्रेम भी क्यूब है, क्यूब से मतलब थोड़ा छोटा है, तो उस टाइप को सब बनाना है। डार्क ग्रीन कलर से हम पहले ऐसे करके एक बॉक्स बना लेते हैं, तो हमें बीच में एक सर्कल बनाना है। अब येलो कलर लेके हमें नीचे का बेस बनाना है, इसे कलर करने की पूरी जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पर 12 लिख देंगे और नीचे ब्लैक कलर से लिख देंगे एंड पोर्टल फ्रेम। आई होप कंप्यूटर समझ जाए क्योंकि ये बनाने में बहुत डिफिकल्ट है। डन, ये हमारी शानदार पेंटिंग और नीचे एंड पोर्टल का फ्रेम, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हम ये सामान सजा रहे हैं, तब तक तुम लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, और इस बार लाइक गेम रखें क्या, तुम लोग 20,000 लाइक कर दो, बहुत है मेरे लिए। हम लोग अभी एंड सिटी में जा रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है, तो लाइक मार देना। ओके गाइज, हम आ गए हैं एंडर ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए और वहाँ पे वो एंडर ड्रैगन हमारा इंतजार कर रहा है। ये पर फैला है, लेकिन उन क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए मैं बो एंड एरो तो लाया ही नहीं, मेरे पास बस एक ही स्वॉर्ड है। तो यार बो एंड एरो अब बनाना पड़ेगा हमें। हम कॉर्नर में जाते हैं, अपना शकला का बूम बूम निकालते हैं और ऐसे हमारा बो बन गया, और हम ये दो ले लेते हैं। डन, हमें दो बो तो मिल गए हैं, लेकिन ये ड्रैगन ने यहाँ पर अपना थूक फेंका है, मिल गया। ओ माय गॉड, लेकिन मुझे एरो भी तो चाहिए, ये थूक फेंकता जा रहा है कंटिन्यूअसली, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा मुझे। तो ये हो गया व्हाइट कलर के, ये काफी अच्छा बन गया है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 64, और हमें यहाँ पर एरोस भी मिल गए हैं। भाई सब कुछ हो गया है, अब जाके ड्रैगन से लड़ाई करते हैं। एक मिनट, हमें शील्ड भी ले लेना चाहिए क्या, और ड्रैगन पास हो रहा है। ओ माय गॉड, ये फेंका देगा, खूब फेंका इसने। रुको, मैं शील्ड भी बना लेता हूँ। आउटलाइन होगा बस, आई गेस काफी है, बीच में बस एक ग्रे लाइन में बना देता हूँ, ऊपर में मैं शील्ड लिख देता हूँ ब्लैक कलर से, ये लग रहा है शील्ड जैसा। अरे यार कुछ भी नहीं आया, उल्टा ड्रैगन यहाँ पर थूक कर और चला गया यार, क्यों नहीं आया भाई। ओ मैंने शील्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है। क्या ही बोले हम, लेकिन वो ड्रैगन यहाँ तक थूक रहा है यार। रुको इधर मैं बनाता हूँ फिर से, और ब्लैक कलर से हमें नाम लिखना है SHIELD। ओ भाई भाई, शील्ड तो मिल गया है मुझे, लेकिन वो थूकता जा रहा है कंटिन्यू। अभी लड़ने चलते हैं हम, हम इसे ब्लॉक्स भी ले लेते हैं, तो इसे हाथ लगा कर भी तोड़ सकते हैं। चलो अब दूसरे वाले पे चलते हैं, इस वाले की भी बैंड बजा देते हैं। अरे बाप रे, ओ मैं जस्ट के लिए बच गया हूँ। ओके, तो एक एक करके मैंने सारे क्रिस्टल तोड़ दिए, और ये लास्ट वाला है, मुझे और दिख नहीं रहा है। ये गया भाई, सब खत्म। ये एक और इसका बॉल आ गया, अब बस मुझे इस एंडर ड्रैगन से लड़ाई करनी है, बाकी तो बात खत्म। भाई ये एंडरमैन मेरे पे ज्यादा हमला कर रहे हैं, इस वजह से मुझे नया शील्ड बनाना पड़ा। हेड में मारो, ठुक रहा है है बहुत ज्यादा है। ऐसे ठीक है भाई, अब सच में बहुत थोड़ा सा ही रह गया एंडर ड्रैगन, जिसे थोड़ा सा और मारना है। आ रहा है। ओहो, खत्म कर दिया हमने। ओ माय गॉड, खत्म कर दिया आखिरकार। अरे यार इसकी खुशी एक अपनी खुशी है, और वो देखो हमारा एंडर एग। ओ माय गॉड, एक बार में एक एक्सपी से इतना ज्यादा बढ़ गया है हमारा। आखिरकार हम लोगों ने माइनक्राफ्ट बीट कर दिया, एंडर ड्रैगन को मार दिया, हम लोग ड्रॉ कर करके पता नहीं क्या क्या किए हैं, और हमें ये एंडर एग मिल गया है। तो गाइस तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट में, मुझे तो बहुत मजा आया। ऐसे कुछ यूनिक मोड्स हम ट्राई करते रहेंगे, अगर यहाँ तक देखे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखो, मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा जल्दी से जल्दी। तो लाइक
मार दो उसके लिए भी। यार ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर से कमेंट बताना। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो ना तो चलो मैं तुम्हें ये पजल पूछता हूँ, इसमें इनका वैल्यूज बता दो तुम लोग, तब तो मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।